एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी ने दिवाली बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा और आपने बहुत सारा अच्छा अच्छा खाना खाया होगा। आई नो आई एम बैक आफ्टर रियली लॉन्ग। आई वाज सिक एंड देयर वाज पोल्यूशन इन दिल्ली, काफ़ी चीज़ें हो रही थी जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। बट आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आई हूँ। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बोहो प्लांटर का ट्यूटोरियल। बोहो प्लांटर्स बहुत ज़्यादा ट्रेंड में हैं और बहुत कॉस्टली भी मिल रहे हैं। आप कहीं भी चेक करेंगे तो मिनिमम आपको 800 से 900 के बीच में एक छोटी सी बास्केट मिलेगी और मोस्टली बहुत ही ज़्यादा प्राइसी हैं ये बास्केट। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना एक छोटा सा DIY करूं और आपके साथ शेयर करूं। सो दिस इज द बोहो प्लांटर गाइस व्हिच आई हैव मेड एंड इट्स रियली रियली सिंपल। इट विल टेक जस्ट 15-20 मिनट्स टू मेक इट और इसका कॉस्ट भी ओवरऑल सिर्फ 150-200 के बीच में पड़ेगा आपको। और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं, इट्स लुकिंग रियली क्लासी एंड एलिगेंट। एंड मैं बहुत सारे और DIY वीडियोस लाने वाली हूँ, तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए और बिना टाइम वेस्ट करें आज का वीडियो शुरू करते हैं। So for making this DIY boho planter, you need a small area rug. ऐसे area rugs बहुत ही cheap मिलते हैं। मैंने ये 150 रुपीस में लिया है लाजपत नगर मार्केट से। और इस तरह के रग्स आपको एक्सपोर्ट शॉप वगैरह में मिल जाएंगे, या फिर अगर आपके पास कोई पुराना रग हो उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं इस DIY planter को बनाने के लिए। अगर आपको ऐसे रग्स नहीं मिल रहे हैं तो आप किसी पुरानी दरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस प्लांटर को बनाने के लिए। चलिए अब देखते हैं इस प्लांटर को बनाने का फर्स्ट स्टेप क्या है। फर्स्ट स्टेप में मैंने इस रग को 4 बार फोल्ड किया है, जिससे कि जो हम उसका नीचे का पोर्शन है हम उसको कट कर सकें, जिससे कि हम इस प्लांटर का बेस बना सकें। अब हमें प्लांटर के बेस को बनाने के लिए नीचे के पोर्शन को थोड़ा सा कट करना होगा और लंबाई उतनी ही रखिएगा जितना चौड़ा आप प्लांटर के बेस को रखना चाहते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा भी मत काटिएगा, नहीं तो आपको फोल्ड करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी नीचे का बेस क्रिएट करते वक्त। अप्रॉक्सीमेटली अपने हथेली के जितना आप इसको काट सकते हैं, हथेली की जो आपकी लंबाई होती है उसके हिसाब से आप काट सकते हैं। और काटने से पहले आप उसको पेंसिल से मार्क कर दीजिए, जिससे कि आप उसको प्रॉपरली काट सकें। मार्क करने के बाद आप सीजर का यूज करके दोनों साइड से रग को कट कर लीजिए। रग को कट करने के बाद आपको 4 पैनल्स मिल जाएंगे, जिनको ज्वाइन करके हम इस प्लांटर का बेस क्रिएट करेंगे। अब अपने थर्ड स्टेप के लिए हम इस रग को स्प्रेड कर लेंगे। हमें रग का जो 2 ओपन सिरा है हमें अब उसको ज्वाइन करना है, जिससे कि एक सिलेंड्रिकल शेप फॉर्म हो जाए। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम रग को फैला लेंगे और देख लेंगे कि हमें रग को कहाँ से जोड़ना है। रग के आउटर सिरे को जोड़ने के लिए मैं ग्लू गन का यूज़ कर रही हूँ और इस ग्लू गन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी। अगर आप परचेस करना चाहें तो आप अमेज़ॉन से ख़रीद सकते हैं, और अगर आपके पास ग्लू गन नहीं है तो आप फेविकोल जैसे किसी और ग्लू का भी यूज़ कर सकते हैं।
ग्लू लगाने के साथ साथ आप हाथ से प्रेस भी करते जाइए, जिससे कि जो रग के दोनों सिरे हैं वो आपस में अच्छी तरीके से ज्वाइन हो सके। और ये भी ध्यान रखें कि आप सारे सिरों को स्ट्रेट फॉर्म में ही ज्वाइन कर रहे हैं, कहीं से वो टेढ़ा मेढ़ा ना हो रहा हो। अब हम इसको थोड़ी देर ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे, और जब ये ड्राई हो जाएगा तो नीचे का बेस क्रिएट करेंगे। बेस क्रिएट करने के लिए सिंपली आपको चारों फ्लैप को एक दूसरे के ऊपर रख के ग्लू गन के थ्रू या फेविकोल के थ्रू स्टिक कर देना है, जिससे कि नीचे एक चौड़ा सा बेस क्रिएट हो जाए। बहुत ही सिंपल है। और जो सिरे खुले हैं जहाँ से धागों के निकलने का स्कोप है, वहाँ पर आप ज़्यादा फेविकोल या ग्लू का यूज़ करिए। और अब हमारा ये जो पूरा बेस है ये रेडी हो चुका है, और अब हमें सिंपली जो इसका अपर सिरा है उसको ऐसे फोल्ड कर देना है, जिससे कि ये प्लांटर बास्केट का फॉर्म ले ले। इस DIY बास्केट का एक और बेनिफिट है कि आप इसकी लंबाई को अपने प्लांट के लंबाई के हिसाब से छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं। चलिए, अब टाइम आ गया है इस प्लांटर को फाइनली एक बोहो टच देने का। तो बोहो टच देने के लिए मैं ये टैसल वाली वाइड लेसेस को यूज़ कर रही हूँ। ये देखिए, मैंने टैसल वाली लेस को ग्लू गन का यूज़ करके प्लांटर के चारों तरफ लगा दिया है, और अब हमारा प्लांटर रेडी है। ये देखिए, हमारा ये बोहो प्लांटर इस कॉर्नर में कितना खूबसूरत लग रहा है। और आप इसमें प्लांट को रखने से पहले इसमें कोई नीचे छोटी सी कोई अगर आपके पास प्लास्टिक की प्लेट हो या कोई और वेस्ट बोल हो, फ्लैट प्लेट्स हो, उनको रख दीजिए, जिससे कि ये प्लांटर गीला ना हो और साफ़ सुथरा बना रहे। आप छोटे या बड़े रग को यूज़ करके अलग अलग साइज़ के प्लांटर को बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा DIY है। और मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये आज का छोटा सा DIY वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।